हेलो दगड़ियों, नमस्कार। अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बिरू उठवाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दगड़ियों, मैं आज आपको सीधे माँ नंदा देवी हुकरा हुंकारा देवी का दर्शन कराऊंगा और आज का ब्लॉग रहेगा माता रानी के दरबार की तरफ सैर सपाटे में। तो पूजा थी दीदी लोगों की, तो वहां गए हुए थे, तो वहां का ब्लॉग आपको दिखाते हैं और माता रानी के दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। तो हम होकरा मंदिर के लिए रेडी हुए और बिरथी से हम निकले दिन के 2 बजे। थोड़ा आगे चलने पे कुंजकेर पे एक पिकअप वाले की हमने सभी लड़कों ने मिलके हेल्प की। पहुंच चुके हैं क्विटी और क्विटी से हमें लेना है माता रानी के लिए चुनरी और एक जट्टा वाला नारियल। तो लेते हैं हम दुकान से चुनरी और जटा नारियल, ठीक है? जटा नारियल, एक जटा नारियल। कितने का गुरु जी है? पानी वाला दो ना यार, निकाल ना पानी वाला है। जटा नारियल लेने के बाद हम गए चुनरी लेने। एक सिंगल है, एक और दे दो ना फिर। तो हमने ले लिया है माता रानी के लिए चुनरी और कुछ पैसे वापस आने हैं, तो चलते हैं। ठीक है राजू भाई, ओके। तो राजू को अब लेने हैं जूते, तो राजू देखेगा जूते, ठीक है? लाए गोदाम में गुरुजी और राजू देखेगा स्पोर्ट्स जूते, बिल्कुल ब्रांडेड दिखाना गुरुजी, ठीक है? राजू कौन से जूते पसंद आए तुझे, दिखाना। ब्रांडेड वाले हैं कौन से? अच्छा, ये वाले जूते पसंद आए। अरे ठीक है, ऑफिस शूज टाइप वाले ना, चलो बढ़िया है। तो गुरुजी कुछ और जूते दिखाएंगे राजू भाई को। कौन सा वाला पसंद आया भैया? अरे ठीक, बढ़िया है यार, ये खाकी खाकी वाला लेदर। फाइनली राजू भाई को जूते पसंद आ गए हैं और ले लिए हैं जूते। तो अब हिसाब किताब कंप्लीट करने के बाद बैठते हैं गाड़ी में उस सीट, अभी क्रीम रोल भी खरीदने हैं। और ये है क्विटी का मार्केट, ले आए हैं सामान और क्रीम रोल भी खरीद लिया है। राजू ने जूते ले लिए हैं। राजू कितने के बैठे जूते? 500 के जूते बैठे हैं। तो अब चलते हैं ओखरा की तरफ, करते हैं सफर, कैसा रहता है देखते रहिए अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल के साथ और जुड़े रहें ब्लॉग के साथ। तो क्विटी से ही निकल चुके हैं हम और क्विटी से आगे निकलने के बाद पहुंचते हैं कक्कड़ सिंह बैंड। कक्कड़ सिंह बैंड से हम निकलेंगे राइट हैंड बागेश्वर वाली रोड पे। कक्कड़ सिंह बैंड के बाद हम पहुंच चुके थे देगुना। देगुना के बाद हम जाएंगे पूर्वी रामगंगा के बिल्कुल किनारे ही किनारे। देगुना से होकरा लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और बहुत ही खतरनाक रास्ता भी इतना सकरा है कि सड़क से सीधे नीचे खाई ही नज़र आती है। लेकिन यहाँ के ड्राइवरों को मानना पड़ेगा कि बहुत ही सतर्कता से यहाँ ड्राइव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये पुराना पुल है छोटा वाला, ये जब यहाँ से यात्रा पैदल की जाती थी तब भी इस पुल का यूज किया जाता था। कुछ समय बाद हम बिल्कुल हरी भरी प्यारे से गांव में पहुंच चुके थे जिसका नाम है होकरा, जहाँ माँ नंदा देवी का भगवती का वास है। तो हम पहुंच गए हैं होकरा है? तो ये है होकरा शहर और ये है हमारे छोटे मेहता जी। हेलो हेलो, बढ़िया है मामू। तो अब चलते हैं यहाँ से मंदिर की तरफ और दिखाते हैं माता रानी के दर्शन कराते हैं आपको, ठीक है? तो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ। तो हरी भरी खेतों से होते हुए रास्ता भी काफी प्यारा है और जा रहे हैं हम मंदिर परिसर की ओर। आगे जा रहे हैं गाँव के चुंड मुंड बकरी लेके और दिव्य दर्शन कराएंगे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे YouTube फैमिली है,
उन सबको आज दिव्य दर्शन माँ जगदम्बा होकरा देवी के दर्शन होंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, तो देखते रहिए ब्लॉग और माता रानी के दर्शन कीजिए। कल भव्य पूजा का आयोजन किया जाएगा, वो भी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन एक बात यह है, यहाँ हम नेटवर्क क्षेत्र से काफ़ी दूर आ गए हैं, यहाँ बिल्कुल सिग्नल नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आगे को, कब तक ब्लॉग पढ़ पाएगा, शायद परसों ही पढ़ेगा जहाँ तक ख्याल है। तो जुड़े रहें और देखिए ब्लॉग, ये छोटी छोटी घसियारी। तो ये है माता रानी का प्रवेश द्वार, जहां से मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं माता रानी का दरबार। और जुड़े रहे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। तो ये है माता रानी का मुख्य गेट और इसके बाद एक और गेट है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये है देवी माँ का पानी की धारा, यहाँ पे स्नान किया जाता है और यहाँ पे स्नान करना गंगा स्नान के बराबर मान्यता प्राप्त है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने माता रानी के दरबार में प्रवेश कर लिया है और यह है माता रानी का दरबार। तो हम मंदिर प्रांगण में काफी लेट पहुंचे, तो शाम होने लगी थी और जल्दी से हमने खाना वगैरह बनाया और खा लिया था। फिर उसके बाद रात को कीर्तन भजन करने के लिए हम माता रानी के दरबार पे गए, जैसा कि आप अभी ब्लॉग में देखेंगे। आज ही नींद आ गई थी मुझे और इन बच्चों ने खिड़की खोल के फिर से नींद खोल दी है। तो मैं चाय पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ राजन? खैरना में चाय। नहीं, खैरना में चाय नहीं, दोनों कंडक्टर लूडो खेल। राजू क्या बोला तूने? कंडक्टर ने खेला रात भर लूडो ही हजर कौन। अच्छा, तो राजन भाई बोल रहा है कंडक्टर ने लूडो खेल दिया और मुझे आ रही है नींद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल कराते हैं आपको माता रानी के दर्शन। तो कल सुबह 4 बजे उठना है और गंगा स्नान करना है। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से नई वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हमारे योगराज श्री 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 1008 शास्त्र हरीश दा मीडिया प्रभारी।